युवाओं में बिहार के गोल्ड मैन ऑफ बिहार का अलग ही क्रेज छाया हुआ है। जमींदार परिवार से ताल्लुक रखने वाले प्रेम कुमार सिंह ने शोक ने उन्हें गोल्ड मैन ऑफ बिहार बना दिया। इन्हें सोने से इतना प्यार है कि यह 30 से भी ज्यादा आभूषण पहनकर अपनी बुलेट बाइक पर पटना की सड़कों में बेफिक्र और निडर होकर घूमते हैं। भारतीय टीम हाल ही में जिम्बाब्वे के दौरे से वापस आई है। जिम्बाब्वे का यह दौरा भारतीय टीम के लिए काफी अच्छा रहा। खेले गए 5 मैच की T20 सीरीज में भारतीय टीम 4-1 से जीत दर्ज करते हुए खिताब को अपने नाम किया। बता दें कि भारतीय टीम अब श्रीलंका के साथ सीरीज खेलते हुए नजर आएगी। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए एक खुशखबरी है, उनके लिए एक सुनहरा मौका सामने आया है। इंडियन आर्मी ने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए कई पदों पर भर्तियां निकाली हैं। बता दें कि इस भर्ती में अविवाहित महिला और पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। वे कैंडिडेट्स जो SSC टेक्निकल एंट्री के तहत भारतीय सेना ज्वाइन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। ऋचा चड्ढा और अली फजल माता पिता बन गए हैं। बता दें कि ऋचा चड्ढा ने एक बेटी को जन्म दिया है, उनके घर लक्ष्मी आई है। फैंस के साथ उन्होंने सोशल मीडिया पर ये जानकारी शेयर की है, लेकिन ये गुड न्यूज उन्होंने 2 दिन बाद फैंस के साथ साझा की। मध्य प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह एक्टिव हो चुका है। प्रदेश के सभी जिलों में मध्यम से तेज बारिश हो रही है। इसी के बीच मौसम विभाग ने 13 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मध्य सरकार की कैबिनेट बैठक में सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। सरकार ने राज्य सरकारी साख संस्थाओं में किसानों को 0% पर मिलने वाले लोन की ओवर ड्यू डेट में 1 महीने का इजाफा किया है। इससे किसानों को काफी राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश की मोहन यादव कैबिनेट ने 18 जुलाई को बड़े फैसले किए। अब बैंकों के वाहनों में 5 करोड़ से ज्यादा कैश लोड नहीं होगा। बैंक लॉक पदों को भरेगी सरकार। राशन वितरण में धांधली रोकने बनेगा PDS सिस्टम। मध्य प्रदेश के सभी स्कूलों में गुरु पूर्णिमा के मौके पर 2 दिन तक उत्सव मनाया जाएगा। CM मोहन यादव ने आदेश जारी कर कहा कि अब स्कूलों में 2 दिनों तक गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी। स्कूलों के अलावा राज्य के कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में भी पहली बार गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाएगा। उज्जैन जिले में मुहर्रम का जुलूस विभिन्न रास्तों से होता हुआ इमाम बाड़े पर समाप्त हुआ, लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हुआ कि पुलिस को हालात काबू में करने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा। दरअसल मुहर्रम जुलूस में प्रतीकात्मक घोड़े को कंधे पर लेकर लोग दौड़ रहे थे। अचानक प्रतीकात्मक घोड़ा एक ओर झुक गया और उसके नीचे लोग दब गए। मध्य प्रदेश में इंदौर सर्वाधिक टैक्स देने वाला शहर है। पिछले 6 महीने से शहर की जनता टैक्स भरने के लिए परेशान हो रही है। MP नगर पालिका पोर्टल पर जनता ऑनलाइन टैक्स भरती थी, जो ठीक से काम नहीं कर रहा है। यह राज्य स्तरीय पोर्टल है जिस पर मप्र के सभी जिलों में लोग टैक्स भरते हैं। मध्य प्रदेश के मंत्रियों को अभी तक जिलों का प्रभार नहीं मिला है। कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें जल्द जिले दे दिए जाएंगे। बताया जाता है कि इस मसले को लेकर CM मोहन यादव ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। कुछ मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं। लोनी वरनाथ जानकी मंदिर के महंत और यज्ञ सम्राट रहे महंत स्वर्गीय कनक बिहारी दास महाराज के खाते से 90 लाख रुपए निकाल लिए गए हैं। आरोप है कि यह रुपए साध्वी लेकर भाग गई हैं। महंत के उत्तराधिकारी श्यामदास महाराज ने इस मामले की शिकायत की है। बता दें कि महंत कनक बिहारी जी का निधन 17 अप्रैल 2023 को एक सड़क हादसे में हो गया था। इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में एक धार्मिक समारोह में 14 लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया, इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। इन लोगों ने मुस्लिम धर्म त्याग कर सनातन धर्म स्वीकार किया। इसके अलावा 4 अन्य लोगों ने भी घर वापसी की, यानी वे पहले हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपना चुके थे, लेकिन अब उन्होंने वापस हिंदू धर्म में लौटने का फैसला किया है। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ नगर में बुधवार को मुहर्रम महीने के 10 तारीख को DJ पर निकलने वाले जुलूस के दौरान एक नाबालिग लड़के ने फिलिस्तीन झंडा लहरा दिया, जिसका वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे। मामले में अब तक किसी तरह की कार्रवाई की बात सामने नहीं आई है। सरकार ने इंदौर के पास वेटलैंड को संरक्षित करने के लिए भी बड़ा फैसला लिया है। इसके लिए इंदौर नगर निगम को 61,65,00,000 रुपये देने का निर्णय किया है। 40% राशि में इसमें राज्य सरकार रहेगी, बाकी केंद्र सरकार देगी। लोगों के निजी डाटा को लेकर सरकार मिशन मोड में है।